नमस्कार, मैं वाई बोल रहा हूँ, मैं दखार बोल रहा हूँ, या क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मैं कौन बोल रहा हूँ, खासकर तब तक जब तक कि इस मुल्क में भीड़ से अलग किसी चेहरे की पहचान नस्लभेदी संबोधनों से बांधी जाती रहेगी। ठीक उसी तरह जैसे हिंदी पट्टी से आया मेरे जैसे नौजवान की पहचान पूर्वोत्तर के सड़कों पर कहीं वाई तो कहीं दखार में तब्दील हो जाती है, वैसे ही जैसे पूर्वोत्तर से जाने वाले नौजवानों की पहचान दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कहीं चिंकी तो कहीं मोमो हो जाती है। फ़र्क बस इतना है कि पूर्वोत्तर के लोगों को इस सलीका आ गया है कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल खुलेआम और अक्सर नहीं करते, जबकि दिल्ली वालों को यह सलीका सीखना भी बाकी है। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार। उत्तर भारत के चार राज्यों की तरह पूर्वोत्तर के इस छोटे से पहाड़ी राज्य मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है। ये अलग बात है कि 30-30 पेज के हिंदी अखबारों और 24 घंटा खबरिया चैनलों में यहाँ की खबरों के लिए जगह और टाइम नहीं होता, इसीलिए न्यूज नेशन चला आया है मिजोरम, यहाँ की सियासत को जानने समझने और उन लोगों के लिए कुछ देखने दिखाने जो मिजोरम के सवाल पर अक्सर चिहुक कर पूछते हैं कि मिजोरम ये कहाँ है। मिजोरम की राजधानी आइजोल की सड़कों पर घूमते हुए सबसे पहली शहादत उस अवधारणा की हुई जिसे मानव शास्त्र की किताबों और यदा कदा अखबारों में पढ़ा था कि मिजोरम मतलब मिजो ट्राइब्स का देश। ट्राइब्स कहते हुए आपके जेहन में भी अगर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह के आदिम जनजातियों का अक्स उभरता है तो मुमकिन है कि आइजोल आकर मेरी तरह आपकी भी इस धारणा में थोड़ा बदलाव आ जाए। आइजोल की सड़कों पर घूमते हुए हमारे कैमरे की जद में शायद ही कोई ऐसा चेहरा आया हो जिसे देखकर आदिवासियों की हमारी पुरानी अवधारणा पुख्ता हो सके। इन तस्वीरों को अब जरा आंकड़ों के साथ मिलाकर देखिए और एक मजेदार सवाल खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा कि आखिर वो कौन सी परिभाषा है जिसके चौखटे में 90% से ज़्यादा साक्षरता और आधुनिक रहन सहन वाले मिजो लोग अब भी ट्राइब्स हैं, जबकि 70% के आसपास साक्षरता और तमाम आदिम कुरीतियों से लदा फदा हमारा समाज एक अरसे से सभ्य है। मुमकिन है कि समाजशास्त्रियों और कानून बनाने वालों के पास इसका कोई ठोस और बेहतर जवाब हो, लेकिन फिलहाल तो हम रुख करेंगे कुछ और नज़ारों का। फुटपाथ पर लगे सीडी की दुकानों पर मैं देखने के लिए ठहर गया कि मिजोरम में बॉलीवुड का कैसा क्रेज है। सीडीज की इस भीड़ में मुझे अभी तक इक्की दुक्की फिल्में ही दिखी है जो बॉलीवुड की हैं या हिंदी फिल्में हैं। जो हिंदी फिल्में हैं भी वो उसका आप देख सकते हैं कि मीजो वर्जन यहाँ बिक रहा है। और ये क्या, ये चाइनीज है? ये कोरियन है। तो कोरियन सीरियल्स क्यों देखने में वो लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि ये लोगों का सीन फ्रेश एंड द वे दे ड्रेस अच्छा दिखता है। अच्छा, और वो मिजोरम के लोगों से मिलते जुलते हैं इसलिए कोरियन सीरियल्स है। ये यहाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं, खास करके टीनेजर्स के बीच में ये काफ़ी लोकप्रिय हैं कोरियन सीरियल्स। तो आप और हम कोरियन कंपनियों की कार और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिश्ता रखते हैं, खरीदते हैं, लेकिन यहाँ मिजोरम में कोरियन हीरो हीरोइनों का क्रेज है, उनका जलवा है। ये है ग्लोबलाइजेशन, गैंगनम स्टाइल। बाद में लोगों से बातचीत में पता चला कि गैंगनम स्टाइल के इस ग्लोबलाइजेशन पर मिजोरम में बहस तेज है। 10-10 घंटे की सीरीज नौजवानों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी सोच पर भी असर डाल रही है। कोरियाई फिल्मों और सीरियल्स के फैशन अब मिजोरम की सड़कों पर दिखने लगे हैं। पुरानी पीढ़ी परेशान है, लेकिन यंग जनरेशन इस पर एकमत नहीं। मोस्ट ऑफ द मेल्स आल्सो डू द मेकअप्स, लिपस्टिक, आईब्रोज, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम डू प्लास्टिक सर्जरी, दैट्स व्हाई डोंट लाइक इट। कोरियन सीरियल ये है कि वहाँ पे सब कुछ मिलता है, जैसे कि इमोशनल हो या रोमांटिक हो, इसलिए देखते हैं ज़्यादा सर। Mostly, most importantly, I think the youth of Mizoram are very interested in Korean serials because it's the way they dress, it's their fashion, you know, they're very fashionable, and the plus the same feature that we look like them, I think that attracts us. विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बाकी हैं।
लेकिन आइजोल की सड़कों पर चुनावी चहल पहल जैसी कोई चीज नहीं, न बैनर, न पोस्टर, न रैली, न शोसेबाजी। पूरे शहर का एक लंबा चक्कर लगाने के बाद मुझे अकेली ऐसी जगह मिली है जहां एक साथ दो से ज़्यादा सियासी पार्टियों के चुनावी पोस्टर लगे हुए हैं, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर भारत में हो रही नमो नमो की गूंज पहाड़ की इन चोटियों तक पहुंचते पहुंचते सन्नाटे में तब्दील हो गई है, और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की पहचान भी यहाँ राजीव गांधी के बेटे से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उस राजीव गांधी के जिनकी कोशिशों के बाद इस पहाड़ी राज्य में एक लंबे अरसे बाद अमन की बहाली हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस के चुनावी बैनर से मनमोहन, सोनिया और राहुल का गायब होना भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि इन बड़े नेताओं की साख मिजोरम में कैसी है। कांग्रेस की प्रचार सामग्रियों में भी कांग्रेस के सीएम ललथन हावला की एक आध तस्वीर को छोड़ दें तो किसी दूसरे नेता की फोटो नहीं दिखी। हाँ, पार्टी दफ्तर की दीवारों पर कुछ तस्वीरें जरूर चस्पा हैं जिससे मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है कि ये वही कांग्रेस है जिसके नेता सोनिया और राहुल हैं, और ऐसा क्यों है अब ये भी सुन लीजिए। हम लोग मिजो का वोट हम लोग चाहता है, दिल्ली का भाषा और दिल्ली का आदमी हम लोग नहीं चाहता है, मिजो का वोट हम लोग चाहता है। मिजोरम का है, अलग है ना, हम लोग इंडिया मैप का अंदर में है, लेकिन हम लोग का दिल भी अलग होता है, मुश्किल है, हम लोग कन्विंस नहीं कर सकता है कि गांव गांव में तो दे डोंट नो दैट दे आर इंडियन। दूसरी पार्टियों के कैंपेन में भी चेहरों की अहमियत ज्यादा नहीं दिखी। हमें लगा चुनाव में अगर चेहरा अहम नहीं है तो मुद्दे जरूर बड़े होंगे, लेकिन हैरानी ये कि किसी पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं जो वोटरों को झकझोर सके। एमएनएफ ने मिजो नेशनलिज्म के पुराने कार्ड को नए तरीके से फेंक कर कुछ सरगर्मी पैदा करने की कोशिश जरूर की है। Our consideration is entirely different. If a smaller river flows into the bigger river, the water of the smaller river could never be identified later. So we wanted to keep our identity. So Mizo nationalism is our main theme. Whenever we preach anything, nationalism always comes first. So we wanted to keep Mizo nationalism alive. मैदानी शहरों में सड़कों से अक्सर सड़कें निकलती हैं, लेकिन यहाँ आइजोल में सड़कों से इस तरह की सीढ़ियाँ निकलती हैं। ये सीढ़ियाँ एक सड़क को दूसरे सड़क से, एक बाज़ार को दूसरे बाज़ार से, और शहर के एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ती हैं। जैसे कि ये सीढ़ी ऊपर के ज़ारकाट को नीचे के न्यू मार्केट से जोड़ रही है। इन सीढ़ियों के किनारे किनारे आपको यहाँ इसी तरह के दुकान मकान देखने को मिल जाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ ऐसी खुली और रोशन होती हैं, जबकि कुछ ऐसी अंधेरी सुरंगनुमा। ऐसी ही सीढ़ियों से होते हुए हम सब्जी मार्केट में चले आए, वो तलाशने जो पार्टी दफ्तरों में नहीं मिला। मुद्दा, टमाटर अभी सस्ता है या महंगा? महंगा महंगा। और जब सस्ता होता है तब कितने का होता है? कोई टाइम में 50 रुपया आ जाता है, कोई टाइम में 40 रुपया। फूल गोभी कैसे है? 80 रुपया। कितने का होता है जब सस्ता होता है तो? फूल गोभी का ऊपर में हो गया, कोई टाइम में तो 10 भी आ जाता है, कोई टाइम में 20। कैसे 100 रुपया। 100 रुपये ये सस्ता है या महंगा? महंगा। 50 रुपए किलो। अच्छा, ये महंगा है। मतलब यहाँ आलू, प्याज, टमाटर, फूलगोभी सब महंगा है। तो सिर्फ उत्तर भारत के लोग ही नहीं बल्कि मिजोरम में भी लोग अभी महंगाई से जूझ रहे हैं। सब्जियाँ काफ़ी महंगी है। आप ऐसा ना समझें कि सिर्फ उत्तर भारत में ही महंगाई है, यहाँ भी लोग उतने ही परेशान हैं महंगाई से, आलू प्याज की कीमतों से, जितना कि आप। उत्तर भारत में प्याज टमाटर की कीमतों पर घमासान हो तो हो, यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो लोग कई बार गाजर भी 200 रुपए किलो खरीद कर खा लेते हैं। तो
पार्टी दफ्तरों में मुद्दे और चेहरे तो नहीं मिले, हाँ गॉड जरूर मिल गए। MNF के इस टैग लाइन को देखिए, पाथियान ले कामरान तान, मतलब परमेश्वर और देश की खातिर। मिजो नेशनल फ्रंट के नारे में परमेश्वर देश से पहले है और जोरम नेशनलिस्ट पार्टी की फिलॉसफी में बाइबिल की आयतें सबसे ऊपर। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर की भीतरी दीवारों पर सेकुलरिज्म का नारा थोड़ी देर के लिए सहारे जैसा लगता है, लेकिन ये सहारा भी जल्दी ही जाता रहा। बिफोर दिस गवर्नमेंट कम इनटू पावर, वी आर इन द ऑपोजिशन पार्टी, मेनी पीपल प्रे गॉड सो दैट द राइट पार्टी विल कम इनटू पावर। So the Congress come into power. So we believe that this is the answer of the prayer. Amen, amen. You tell me they give to like what to talk in the process. कहते हैं मिजोरम में क्रिश्चियनिटी इज द वे ऑफ लाइफ, यहाँ ईसाइयत एक जीवन पद्धति है। जाहिर है सियासत भी उससे बाहर नहीं। चर्च के समर्थन वाली संस्था मिजोरम पीपल्स फोरम ने यहाँ की सियासी पार्टियों के साथ बाकायदा एक MOU साइन किया है। इसके तहत बड़ी बड़ी रैलियों, चुनावी वादों और खर्चीले प्रचार पर तो रोक है ही, नेता को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की भी मनाही है। आइजोल की सड़कों पर इसका असर भी दिखता है। चुनाव के बावजूद आपको यहाँ बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स की भीड़ नहीं के बराबर दिखेगी। एक बारगी ये अच्छा भी लगता है, लेकिन मजहब और सियासत के इस घाल मेल में अच्छा और खराब एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। किस टॉस में नतीजा पलट जाए कह नहीं सकते। मसलन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ चर्च के आदेशों की अनदेखी की तो उसे अवैध भी करार दिया जा सकता है। बावजूद इसके हमें एक भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं मिली जिसे चर्च के इस दखल पर एतराज हो। Churches are not against the government. Churches are teaching the people to follow the rules of the government, to live according to the rules of the government. You understand? और ये है प्रेस्बिटेरियन चर्च की गवर्निंग बॉडी सिनोड की बिल्डिंग, या यूं कहें कि ये मिजोरम के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जिंदगी का नर्व सेंटर है तो गलत नहीं होगा। चुनाव के मामले में भी इसकी भूमिका एक सुपर रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह है। कई बार इसके आदेशों का असर चुनाव आयोग के आदेशों निर्देशों से कहीं ज़्यादा असरकारक होता है, कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और शायद यही वो वजह है, या यूं कहें कि यही वो जगह है जहां आकर धर्म और सियासत को लेकर चल रही बहस एक नया मोड़ ले लेती है। रविवार के दिन शहर की सारी हलचल गिरजों में सिमट आती हैं। प्रार्थना और सरमंस की सर्विस सुबह से रात तक चलती रहती है। उम्र के हिसाब से अलग अलग संडे क्लासेज हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च की गवर्निंग बॉडी सिनोड ने कहा कि ऐसे में रविवार के दिन वोटों की गिनती का काम कैसे हो सकता है, और नहीं चाहते हुए भी चुनाव आयोग को काउंटिंग की तारीख बढ़ाकर 8 से 9 दिसंबर करनी पड़ी। 1 से 4 दिसंबर के बीच यहां सिनोड की सालाना बैठक है, इसलिए वोटिंग की तारीख को भी 1 दिसंबर से घटाकर 25 नवंबर कर दिया गया। सेकुलर स्टेट की परिभाषा क्या कहती है मिजोरम में ये बात अहम नहीं। सिनोड के मॉडरेटर यानी सबसे बड़े अधिकारी रेवरेंड लाल राम लियाना मानते हैं कि सियासत पर कड़ी निगरानी रखना सिनोड का वाजिब हक है। इफ वी लीव दिस थिंग्स इन द हैंड ऑफ द ओनली द इलेक्शन कमीशन which is a little remote, and then in the political parties, in the hands of the political parties, then there have been so many untoward things we don't want. So, like spending money extraordinarily during the election campaigns, and then briberies and all, misuse of money, power and all. We try to influence the government. चर्च की सीढ़ियों से उतरते हुए मैं सोचता रहा कि मजहब और सियासत का रिश्ता जितना पुराना है उतना ही पेचीदा भी, और पेचीदगी की शायद यही धुंध है जिसकी आड़ में BJP का राम मंदिर वाला सेकुलरिज्म बड़ी आसानी से चोला बदलकर राष्ट्रवाद हो जाता है, और मिजोरम के सिनोड का सियासत में दखल उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिजोरम में ऐसे लोग आपको कम ही मिलेंगे जिन्हें ये धुंध पसंद नहीं। मिजोरम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले लालिंग चुआंगा उनमें से एक हैं। As of now, they forbid house-to-house campaign
So there is a very wide gap between the voters and the candidate. This has led to, you know, non-polarization of politics amongst the voters. You know, and this has also led to non-secularization of politics. Politics is a secular issue, and it should be secular. मिजोरम की टीनेज डेमोक्रेसी के लिए चुनौती सिर्फ सेकुलरिज्म की नहीं, महिलाओं की नुमाइंदगी का मामला भी बड़ा है। मिजोरम के सरकारी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 55% है और इस तरह के व्यवसायिक कामकाज में करीब 77%। वोटर के तौर पे भी महिलाओं की तादाद पुरुषों से कहीं ज्यादा है, करीब 51% वोटर यहाँ महिलाएं हैं। बावजूद इसके महिलाएं सियासत के मोर्चे से गायब दिखती हैं। अब तक सिर्फ 3 महिला विधानसभा की दहलीज पार कर पाई हैं। सवाल ये है कि महिलाओं की वोट की ये ताकत उनके लिए सियासी नुमाइंदगी में तब्दील क्यों नहीं हो पाती। इस विधानसभा चुनाव में भी 142 में से सिर्फ 4 उम्मीदवार ही महिला हैं। हमने कई महिलाओं से पूछा कि कामकाज में आगे होकर भी वो राजकाज में पिछड़ी क्यों हैं। महिलाएं यहाँ विधायक क्यों नहीं बनती, एमएलए क्यों नहीं बनती हैं, क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि आई थिंक दे डोंट वांट टू बी इन द पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती। अगर जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुरुष और महिला दोनों खड़े हैं तो आप अगर वोट, आपको वोट देना हो तो किसको देंगे वोट? आप महिला को वोट देंगे। मुद्दे कमजोर हैं और चेहरे नदारद। फिर वो कौन सी चीज है जो वोटिंग के दिन पोल परसेंटेज को 85% तक खींच ले जाती है? ज्यादातर लोग इसे चर्च से जुड़े यंग मिजो एसोसिएशन जैसे संगठनों की सक्रिय भागीदारी का नतीजा मानते हैं। वोटिंग तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत हैं जो ये मानते हैं कि चर्च से जुड़े संगठन तमाम अच्छे कामकाज के बावजूद लोगों की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुस आए हैं। ये अलग बात है कि सोशल एक्टिविस्ट लूरी जैसे लोग बहुत कम हैं जो इसे कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं। They're into everything, you know, everything, poking their nose at everything. I'll use the word poking, okay, because sometimes I feel that they write, you know, the VDP, the Village Defense Party, they would just hail, stop at their vehicle and check who's inside, and you know, we daren't say anything. मैदानी इलाकों में पले बढ़े हम जैसे लोगों को पहाड़ बरबस अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन दूर से खूबसूरत दिखने वाले पहाड़ों पर जिंदगी दुश्वारियों का कैसा सिलसिला हो सकती है, ये सड़क उसकी एक वानगी भर है। 25 किलोमीटर लंबी ये सड़क आइजोल को मिजोरम यूनिवर्सिटी से जोड़ती है। अब जहां यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क की हालत ऐसी है, वहां उच्च शिक्षा की रफ्तार कितनी होगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हैरानी की बात नहीं कि 90% से ज्यादा लिटरेसी के बावजूद हायर एजुकेशन की हालत मिजोरम में कुछ खास अच्छी नहीं है। शहर के मुकाबले कैंपस में लड़कियां थोड़ा कैमरा फ्रेंडली दिखी, लेकिन कैमरे के सामने डिस्कस किया जा सके सियासत यहां भी कोई ऐसी चीज नहीं है। वोट देंगी इस बार? जरूर। किस पार्टी को? ये तो मेरा अपना है, प्राइवेट हो गया। हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो फिलहाल हम चाहते हैं कि यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो और ये हमारे यूनिवर्सिटी के लिए मोर फंड्स आए, वही सब हमारे लिए मेन कंसर्न है। सियासत के बनिस्बत छात्रों की दिलचस्पी उन सवालों और शिकायतों में ज्यादा दिखी जिससे देश के दूसरे हिस्सों में जाने वाले पूर्वोत्तर के लोगों का सामना अक्सर होता है, चेहरे के आधार पर होने वाला भेदभाव। We went to this Gateway of India, and they are very. It was very crowded, and many people were present. And one man come pass by and said to me that, "Are you Korean?" And I feel very embarrassed, like being an Indian and being the citizen of an Indian. Like my fellow citizen are claiming me that I am Korean. मिजोरम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर लाल रिंग चुंगा मानते हैं कि मिजोरम भारत के राजनीतिक नक्शे का हिस्सा जरूर है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के साथ सोशल इमोशनल बॉन्डिंग यानी भावनात्मक जुड़ाव होने में अभी वक्त लगेगा। Till I was a student outside our state, I also never accepted myself as an Indian. Let me confess.
But who, after going through so many literatures and history background of India, and after the signing of Mizoram Peace Accord by the MNF, I fully agree that I am an Indian citizen. But as you have said, well, I am accepting myself as an Indian citizen. If we go to other parts of India, if people look at us differently, then there is a spread feeling. मिजोरम का एक तबका ऐसा है जो मानता है कि समाज और मन के स्तर पर ये मेल दो तरफा कोशिशों से ही मुमकिन है, लेकिन क्या ऐसा है? रविवार के दिन शहर की सारी हलचल इस तरह के चर्चों में, इस तरह के गिरजाघरों में सिमट आती है, और चांदमारी का प्रेस्बिटेरियन चर्च आइजोल के कुछ बड़े चर्चों में से एक है। हम आपको बता दें कि आज का ही ये दिन होता है जब आपको यहाँ लोग परंपरागत परिधान में मिलेंगे। हमारे साथ मुआनपुई हैं और इन्होंने भी कुछ उसी तरह का मिजो लिबास जो है, जो परंपरागत लिबास है, पहन रखा है। मुआनपुई, आज ये खास तरह का लिबास क्यों? अमूमन लोग इस तरह के लिबास में यहाँ नहीं दिखते। इसलिए कि आज का दिन रविवार का दिन है और हम सब जो है रविवार के दिन चर्च आते हैं प्रार्थना के लिए। हम ईसाई हैं, यहाँ पे हम आते हैं और यह दिन हमारे लिए बहुत खास है। और इसी दिन को सभी महिलाएं जो है अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में पुआन पहन करके आती हैं। अच्छा, तो पुआन पहन कर आती हैं, लेकिन मैंने अभी देखा कि बहुत सारी कम उम्र की जो लड़कियां हैं या जो टीनेजर्स हैं वो पुआन में नहीं दिखी। वो तो वो जिस तरह का जो वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं, स्कर्ट एंड टॉप, उसी में दिख रही थी। तो टीनेजर्स में इसका कुछ खास क्रेज नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि खास क्रेज नहीं है, है मगर इनकी उम्र अभी नहीं हुई है। अच्छा, अच्छा। अक्सर अडल्ट महिलाएं जो हैं वो पुआन पहनती हैं और ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं बाद में आकर के हमारी उम्र में ये भी पुआन पहनने लगेगी। अच्छा, अच्छा। लेकिन मिजोरम में एंट्री के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ता है, ये एक हकीकत है। मिजो लोगों की जनजातीय पहचान को बनाए रखने की ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसी अब भी कायम है, लेकिन इससे उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी कितनी महफूज रही, ये बहस का विषय हो सकता है। सजी धजी परिधानों में मिजो लड़कियों को बैम्बू डांस करते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन वो मिजोरम का कल था। अब वो सैलानियों को देखने दिखाने की चीजें भर रह गई है। मिजोरम का आज है ये रॉक म्यूजिक और ये है मिजोरम का लोकल ग्लोबल बैंड बुमरेंग। उत्तर की इन पहाड़ी चोटियों तक आते आते संगीत की धुनें भी जैसे बागी तेवर अख्तियार कर लेती है। यहाँ के घरों में बीटल्स और रॉलिंग स्टोन्स जैसे रॉक बैंड वैसे ही नाम है जैसे आपके हमारे यहाँ लता और किशोर। बॉलीवुड यहाँ क्यों पॉपुलर नहीं है? इस सवाल के कई जवाब हैं। भाषा उनमें से एक है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि 60 से 80 के दशक तक चले अलगाववादी आंदोलन के वक्त हर उस चीज का विरोध हुआ जिसकी पहचान भारत से जुड़ी थी। बॉलीवुड भी उसका शिकार हो गया। बूमरेंग बैंड के बूमा मानते हैं कि रॉक म्यूजिक ने सियासत और देश की मुख्य धारा से कटे नौजवानों को अपने गुस्से के इजहार का नया प्लेटफॉर्म दिया है। इट्स एन एक्सप्रेशन इन अ गुड वे, यू नो, नॉट यूजिंग गन्स, वी आर यूजिंग आवर वॉइसेस एंड गिटार्स इंस्टेड, यू नो, टू लेट अस हैव अ वॉइस, यू नो, एंड आई थिंक दैट्स बेसिकली व्हाई रॉक म्यूजिक एंड कल्चर is pretty big in Mizoram, and not just Mizoram, in the whole of the Northeast as well. Rock music से निकले तो एक बार फिर हम सियासी समीकरणों के घुमावदार रास्ते पर निकल पड़े। हम जानना चाहते थे कि मिजोरम के गांवों में कैसा है चुनाव का रंग। मिजोरम की इन पहाड़ियों में केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। हालांकि केला यहाँ वाइल्ड तरीके से भी, जंगली तरीके से भी उगता है, लेकिन उसकी खेती भी इन पहाड़ों में बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी फसल है वो है बांस। करीब 80 किस्म के बांस इन पहाड़ियों में, इन जंगलों में पाए जाते हैं। और हम आपको बता दें कि देश में बांस की सप्लाई का करीब 55% मिजोरम से जाता है। मैं इस वक्त एक छोटे से कस्बे सेलिंग में हूँ और बागतोंग जाते वक्त हमें ये कस्बा मिला है करीब
आइजोल से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है कस्बा, और हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इनके लिए इस बार इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, चुनाव में क्या मुद्दे हैं, और किस पार्टी को वोट देने वाले हैं लोग। आप किसको वोट देंगी? फिलहाल मुझे नहीं पता कि मैं किस पार्टी को वोट दूंगी, वैसे सबके सब बहुत ही अच्छे हैं। सेलिंग से कुछ किलोमीटर आगे है बागतों, जहां रहता है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। जिस राज्य में एक एमएलए सिर्फ 15-20 हजार लोग मिलकर चुनते हों, वहां करीब 200 सदस्यों वाले परिवार की हैसियत क्या होगी, ये जानना कोई कम दिलचस्प नहीं होगा। हम जब यहां पहुंचे तो वक्त रात के खाने का हो चुका था। कुनबे के मुखिया जियोना अपनी 38 बीवियों और 100 से ज्यादा बेटे बेटियों, पोते पोतियों और परपोते परपोतियों के साथ खाना खा रहे थे। तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो सकी। हमारे साथ गई हिंदी की लेक्चरर और रेडियो जॉक मुआनपुई की मदद से कैमरा जो कैद कर सका वो आपके सामने है। आज की तारीख में एक छोटा परिवार को चलाने में लोगों को इतनी दिक्कत होती है, इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं, मूल मंत्र क्या है, क्या चीज है जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवार चल रहा है? बस हम यूं ही रहते हैं, बस रहते हैं। चलते चलते हमने पूछ लिया कि परिवार वोट किसे देगा। जवाब मिला थोड़ा थोड़ा सभी पार्टी को। अब सबको खुश रखने की तादाद भगवान ने दी है तो किसी को नाराज क्यों करना। मिजोरम न वो है जो देश के नक्शे में एक कोने में दुबका हुआ सा दिखता है। मिजोरम वो भी नहीं है जिसकी पहचान को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नस्लभेदी संबोधनों से बांधकर उछाला जाता है। हमने भी जो दिखाया वो कितना मिजोरम है कह नहीं सकते, लेकिन मिजोरम क्या है ये जानने का सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि जानेंगे तभी तो जुड़ेंगे और तभी तो जोड़ेंगे।